नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 4 जून। कल के सेशन में हमने देखा कि कॉटन कॉम्प्लेक्स के अंदर एक गिरावट आती हुई दिखाई दी, बट उससे पहले हम आपको वेबिनार का अपडेट देंगे। शनिवार को 5 जून 12:30 बजे हम कमोडिटी रेशियो और कमोडिटी सीजनैलिटी के ऊपर एक वेबिनार का आयोजन कर रहे हैं। इस वेबिनार के तहत आपको ये पता चलेगा कि कौन सी कमोडिटी है जो रेशियो के बेस पे आउट परफॉर्म कर सकती है, और सीजनैलिटी के बेस पे भी कौन सी कमोडिटी है जिन्हें हमें जून महीने के लिए पिक करके चलना चाहिए। कल के सेशन के अंदर हमने कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल के एक सभी में हमने गिरावट आते हुए देखी। इस गिरावट को हम प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी ये हफ्ते के अंदर हमने काफी बड़ी तेजी प्राइजेस में आते हुए देखी। इंटरनेशनल मार्केट में भी देखा कि कोई यूएस कॉटन है वो 85 सेंट के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब चाइना से भी हमने देखा, चीजें पॉजिटिव जरूर है, बट शुक्रवार होने के चलते भी हमें लगता है कि प्राइजेस में एक पुलबैक दिखा सकता है, तो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग है। फंडामेंटल की अगर बात करें तो अभी भी फंडामेंटल काफी सपोर्टिव है, रीजन से स्विंग प्रोग्रेस अच्छी दिखाई जा रही है। थोड़ा कंसर्न जरूर था पंजाब साइड से, जहाँ पे हमने स्विंग में ड्रॉप देखा था, बट ओवरऑल मानसून की वजह से ओवरऑल हमें लगता है कि अगला महीना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि मानसून इंडिया पहुंच चुका है। कॉटन सीड ऑयल की बात करें तो अब नया रेजिस्टेंट जो बनेगा वो 2840 का बनेगा। जब तक प्राइजेस 2840 के ऊपर नहीं निकलते हैं, 2700 से लेकर 2840 का जो दायरा है, यही दायरे में हम कॉटन सीड ऑयल को ट्रेड करते हुए देखेंगे। टेक्निकली अगर हम बात करें तो कॉटन के प्राइजेस में कल हमने करीबन 24,000 का हाई लगते हुए देखा। जैसे ये हाई लगा, वहाँ पे हमने हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा। हार्मोनिक पैटर्न जनरली एक वेव थियरी के ऊपर बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं हमें आगाह देता है कि प्राइजेस के अंदर कहीं पे करेक्शन आएगा। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे छोटा एक बाइंग हार्मोनिक बन देख सकते हैं, जहाँ पे पॉइंट नंबर सी पे बनने के बाद हमने अचानक ही मार्केट में तेजी देखी, और काफी बड़ी तेजी, मतलब आप समझ के चलिए 20,500 से मार्केट में तेजी का रुख बना, जो 24,000 तक का लेवल दिखा दिया। ऐसा ही कुछ एक बड़ा पैटर्न बना हुआ है 24,000 के ऊपर। कल के सेशन में हमने जो बिकवाली रखी है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिए, 23,420 का लेवल अगर तोड़ देता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि और बड़ी गिरावट बढ़ सकती है, जो 22,500 का भी लेवल दिखा दे, और इसका कारण हो सकता है स्विंग, क्योंकि स्विंग का अगर प्रोग्रेस अच्छा हो रहा है तो कहीं ना कहीं कॉटन पे दबाव इनिशियली मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ, जब तक 24,000-24,100 के ऊपर कॉटन नहीं निकलता, ट्रेंड वीक है, 23,420 के टारगेट के लिए बेचा जा सकता है। चार्टिकली भी अगर हम देखें तो 2 ओवर चार्ट के अंदर कल हमने 24,000 का हाई लगने के बाद मार्केट में गिरावट देखी है, जो कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो ट्रेंड लाइन है या 50 मूविंग एवरेज है वो 23,200 है, 23,200 तक का लेवल भी हम कॉटन में देख पाएंगे। वहीं आइस कॉटन की बात करें तो प्राइजेस ने ब्रेकआउट जरूर दिया था एक रेंज के बाद, बट अभी भी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जा नहीं पा रहा है। जब तक प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज, मतलब 85 सेंट के ऊपर नहीं निकलता है, प्राइजेस दायरे में रहेंगे। वहीं कॉटन सीड ऑयल की अगर बात करें तो हायर रेंज को टच कर चुका है प्राइजेस। नेक्स्ट लेवल जो रहेगा 2840 से 2900 का रहेगा, बट यहाँ पे हमें लगता है प्राइजेस कंसोलिडेट करके थोड़ा पुल बैक दिखा सकता है, जो 2720 तक का लेवल है। आज फ्राइडे है, प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। अगर आज 2820 के ऊपर प्राइजेस नहीं गए तो एक प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, इस पे आप ध्यान रखकर काम कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।